हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक न्यू लॉन्च लिप केयर किट का। तो गाइस, ड्राई डल एंड चैप लिप्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसे सॉल्व करने के लिए हम लिप बाम का तो पूरा यूज़ करते हैं, बट तब भी कई बार हमें बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हम लिप्स को प्रॉपरली स्क्रब नहीं करते हैं या लिप एक्सफोलिएशन का स्टेप नहीं करते हैं। अगर आपके लिप्स भी ड्राई रहते हैं और लिप बाम या DIYs के बाद भी आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आप भी ये कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, जिसे फॉलो करने के बाद आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे फेशियल स्किन को हेल्दी एंड हाइड्रेटेड रखने के लिए हम एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, उसी तरह लिप्स को हाइड्रेटेड, मॉइस्चराइज्ड एंड चैप्ड फ्री रखने के लिए हमें एक प्रॉपर लिप केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन, सन डैमेज, एयर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स से हमारे लिप्स काफ़ी डैमेज होते हैं और लिप्स की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है। ये अपने आप ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, इसीलिए हमें डेली बेसिस में इनकी प्रॉपर केयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके लिप्स ड्राई या चैप्ड रहेंगे तो कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे लिप टिंट या लिपस्टिक को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपके लिप्स और ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे और ज़्यादा फटने लगेंगे, एंड इवन लिपस्टिक भी आपके लिप्स पे इवनली अप्लाई नहीं हो पाएगी। अब चलते हैं प्रोडक्ट रिव्यू की तरफ। तो गाइस, ये है मामा अर्थ की न्यू लॉन्च लिप केयर किट और ये है इसकी आउटर पैकेजिंग। और इनर पैकेजिंग प्लास्टिक टब की फॉर्म में अवेलेबल है, इसके साथ ही इसमें एक स्कूप भी अवेलेबल है। इस टब में दो पार्ट्स किए गए हैं। टब की एक पार्ट में आपको लिप स्क्रब अवेलेबल है और दूसरे पार्ट में आपको लिप मास्क दिया गया है। टेक्सचर में लिप स्क्रब में स्क्रबिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जो हमारे लिप्स को एक्सफोलिएट करते हैं, और लिप बाम में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज हैं जो लिप्स को नरिश करती हैं। लिप मास्क एंड लिप स्क्रब दोनों में ही काफ़ी सारे मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, एलमंड ऑयल, शिया बटर, और इसमें टर्मरिक भी प्रेजेंट है, जो लिप्स की पिगमेंटेशन को कम करती है। वीक में 2 से 3 बार हमें अपने लिप्स की स्क्रबिंग जरूर करनी चाहिए, इससे हमारे लिप्स पे जो भी डेड स्किन सेल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और अगर हमारे लिप्स ड्राई या चैप्ड हैं, फटे हुए हैं, तो उसमें से डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाते हैं। लिप बाम या लिप मास्क को आपको डेली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स होते हैं जो आपकी लिप्स को हील करने के साथ साथ मॉइस्चराइज भी करते हैं। ये लिप केयर किट 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है और इसमें किसी भी तरीके का टॉक्सिन या केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है। इस लिप केयर किट को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। पहले स्क्रब करें सर्कुलर मोशंस में, उसके बाद वॉश करके आप लिप मास्क को लगा लें। वैसे तो आपको लिप केयर किट का यूज़ डेली करना चाहिए, लेकिन अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हैं तो 2 से 3 बार वीक में ज़रूर यूज़। तो गाइज, ये था इस 2-in-1 लिप केयर किट का एक डिटेल रिव्यू। अगर आपके लिप्स भी ड्राई रहते हैं, चैप्ड रहते हैं, और आप इसी तरह का एक कॉम्पैक्ट 2-in-1 प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बट रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप इसका डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं और मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल।